मैंने मैं मार्केट में खड़ा हुआ वो अब चल रहा है <laughs> तो मैं कह रहा हूँ मैंने कहा तो आप, ही, आप से हो कि नहीं। कैसे, ये खा, कैसे? वो मूवमेंट देख के आपको हाँ। खा सकते हैं बट मैंने खाया, अरे खाया सिल्क बम खाया मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें खाई है दिल्ली के कोई स्ट्रीट फूड जो आप सबको रेकमेंड करेंगे दिल्ली का तो पूरा एक मतलब मेरे फूड मैप है अरे वाह आप मेरे को बोलोगे कि मैं इस जगह पे खड़ा हुआ यहाँ पे क्या खाऊँ तो बता सकता हूँ अच्छा। आप ऐसे बोलोगे कि मैं अभी इस समय सीआर पार्क में मंजूमा हाँ। डीला कमना नगर जाकिर नगर बाटला हाउस निजामुद्दीन जहाँ आप नाम बोले हाँ। आप बोलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ यहाँ पे दस जगह खाने की बताइए मैं आपको अभी बता दूंगा अरे वाह आजकल व्लॉगिंग का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है फिर चाहे वो फूड ब्लॉगिंग हो या ट्रैवल व्लॉगिंग लोग इसमें अपना करियर देख पा रहे हैं पैसे कमा रहे हैं फेमस हो रहे हैं आज के हमारे गेस्ट भी इसी फील्ड में हैं लेकिन वो खुद को एक फूड एक्सप्लोरर कहते हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तब कर ली थी जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब में करियर देखना एक ऑप्शन भी नहीं था कंटेंट क्रिएशन जैसा वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था उनका नाम है मिस्टर अनुभव सप्रा जो कि दिल्ली फूड वॉक्स के फाउंडर हैं दिल्ली के स्ट्रीट फूड्स को एक्सप्लोर करते करते कैसे वो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग शहरों में जाके फूड को एक्सप्लोर करने लगे इसके बारे में उन्होंने हमसे बात करी उनसे आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कैसे सिर्फ खाने के ज़रिए हम अपने देश के अलग अलग कल्चर्स को जान सकते हैं मेरी नज़र में पर्सनली अनुभव सप्रा जी फूड एक्सप्लोरेशन के ओ हैं तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा मैं हूं आपका होस्ट अक्षय तोपवाल और आप देख रहे हैं द स्मॉल टाउन शो राइट थ्री टू वन लेट्स गो अनुभव सप्रा जी कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक है वेलकम टू द स्मॉल टाउन शो थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी काफी टाइम से हम लोग प्लान बना रहे थे फाइनली हो गया मैं बहुत खुश हूँ सर मैं आपके वीडियोस देखता ही रहता हूँ डेली फूड वॉक्स के वीडियोज़ देखता हूँ मुंह में पानी भी आता है बट मैं आपके वीडियोस में क्या चीज़ देखता हूँ ना कि आजकल फूड ब्लॉगिंग का काफ़ी ज़्यादा क्रेज चल रहा है काफ़ी सारे फूड ब्लॉगर्स देखने को मिलते हैं लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ ना तो आप जब एक बाइट भी लेते हैं किसी खाने की तो वो आपके आँखों में, में मेरे को वो पैशन दिखता है खाने के लिए तो मैं आपसे ना सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो आपका पैशन है खाने को लेकर वो आपने कब रियलाइज़ किया कि ये एक पैशन भी हो सकता है क्योंकि जब हम पैशन की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ओके आर्ट म्यूज़िक स्पोर्ट्स ये सब पैशन हो गया बट एक खाने को एज अ पैशन देखना और इसका एक करियर सोचना कि इसको, इसको हम एक करियर भी बना सकते हैं तो ये चीज़ आप एक बार बता सकते हैं देखिए फूड एक ऐसी चीज़ है कि सबको शौक होता है कि अच्छा खाना खाने को मिले तो वैसा ही मेरा भी था मेरी अपब्रिंगिंग बड़ी इंटरेस्टिंग रही मेरा बर्थ प्लेस बिहार में रहा मुजफ्फरपुर में और जिस जगह पे हम लोग रहते थे जो नेबरहुड थी लोकेलिटी थी वो बहुत ही डाइवर्स थी मतलब जो मेरे नेबर थे एक सामने सिंधी फैमिली थी अच्छा। एक मारवाड़ी फैमिली थी एक बिहारी फैमिली थी हम लोग खुद पंजाबी थे अच्छा। तो और रह रहे थे बिहार में तो बड़ा अच्छा एक डाइवर्स कम्यूनिटी के साथ मैं बड़ा हुआ तो खाने में ये होता था कि जब किसी के घर कुछ अच्छा बनता था तो वह के घर भेजते थे और आपके घर में जब तक अच्छा नहीं बनेगा कुछ आपका डिब्बा आप उनका रखे रखे अपने पास रखेंगे और उसके बाद फिर उस डिब्बे में ही डाल के वापस भेजेंगे तो जो पैलेट था वो बचपन से ही काफ़ी इवॉल्व हुआ आ, कभी सिंधी कड़ी खाने को मिल रहा है कभी मारवाड़ी कड़ी खा रहे हैं कभी <laughs> जो सामने एक झा फैमिली थी उनके यहाँ पे खाना 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 शुरू किया इनफैक्ट मैंने फर्स्ट टाइम नॉन नॉनवेज फूड उनके यहीं पे ही खाया तो हमारी फैमिली में नॉन वेज नहीं बनता है कोई खाता नहीं है घर पर तो मतलब उस वहाँ से शुरुआत हुई एक फ़ूड का टेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ और उसके बाद फिर लेकिन ये जो पैशन प्रोजेक्ट की आपने बात की वो शुरू हुआ जब मैं कॉलेज में आया यूनिवर्सिटी अच्छा। में आया यूनिवर्सिटी में जब मैं हॉस्टल में रहता था आ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की रामजस में था मैं और वहाँ पर ये होता था कि मेस में कुछ दिनों पर खाना अच्छा नहीं मिलता था तो उस दिन जिस दिन खाना अच्छा ना मिले हम लोग दोस्त पैसे इकट्ठा करते थे और जाके पास में हमारे विजयनगर है उसके बाद हटसा लेन होता था वहाँ कुछ ढाबे होते थे वहाँ जाके खाना खाते थे तो वहाँ से हुआ कि खोज शुरू हुई कि अच्छा खाना कहाँ मिलता है जो एफोर्डेबल है और मतलब आप कम पैसे में अच्छा खाना खा सकें तो वहाँ से एक पैशन शुरू हुआ कि अच्छी जगह है कौन सी कौन सी खाने की तो मुझे लगता है कि वही एक टर्निंग पॉइंट था उसके बाद फिर फूड कॉलम्स पढ़ने का शौक़ शुरू हुआ अच्छा। आ, जैसे आज का ज़माना है जो मीडिया काफ़ी बदल चुका है अब यूट्यूब वीडियोज़ हैं पॉडकास्ट हैं बट एक समय था जब मतलब अभी भी इनफैक्ट मैं पढ़ता हूँ अभी भी कॉलम्स आते हैं बट उस समय था कि आ, आपके फेवरेट फूड राइटर्स होते थे जिनके आप कॉलम्स के लिए वेट करते थे तो वैसे ही एक द हिंदू न्यूज़ कोई भी अगर मतलब पढ़ाई के मतलब कॉलेज के दौरान सब लोग वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं द हिंदू हुआ या इंडियन एक्सप्रेस जो भी हुआ तो हिंदू में एक सप्लीमेंट आता था मेट्रो प्लस उस उसमें एक फूड राइटर थे उनका थे नहीं है अभी उनका नाम राहुल वर्मा जी है तो उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ तो मैंने उनके कॉलम्स पढ़ने शुरू किए वीकली कॉलम्स जब आते थे तो जैसे लोग न्यूज़पेपर खोलते हैं ना पहले की है, कि हेडलाइंस क्या है फ्रंट पेज मैं सप्लीमेंट ढूंढता था कि उन्होंने कौन सी जगह के बारे में लिखा है इस हफ़्ते और वो दिल्ली के स्ट्रीट फूड के बारे में लिखते थे और वो लगभग तीस साल के ऊपर अभी भी लिखते आ रहे हों उससे ज़्यादा टाइम हो गया उनको तो उनके कॉलम्स पढ़ के जैसे उन्होंने लिखा कि आज उन्होंने कहीं पे किसी जगह पे रबड़ी खाई पुरानी दिल्ली के किसी दुकान में तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं शाम तक वहाँ पहुँच जाऊँ खाने के लिए <laughs> या नहीं तो उसके एक दो दिन के अंदर मैं वहाँ होता था मैं <laughs> तो वहाँ से एक पहले शुरू हुआ कि एक्सप्लोर करने का <laughs> जो अलग अलग, अलग जगहों पर जाके कहाँ पर क्या अच्छी चीज़ मिलती है और वही बाद में जाके मेरा करियर बन गया <laughs> मैंने मतलब दिल्ली फूड वॉक्स पे मैं अभी आऊँगा बट उससे पहले मैंने देखा है कि आप सुना है कि आप यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे थे जो आपको बताया मैंने द हिंदू न्यूज़ पेपर के बारे में वो यहीं से जुड़ा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट कोई भी मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट होता है तो हम द हिंदू न्यूज़ पे पढ़ता है तो मैंने भी यू की तैयारी की आ, आ, मैंने ग्रेजुएशन किया फिर पोलिटिकल साइंस में फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया पोलिटिकल साइंस में उसके बाद फिर जो ऑप्शन होते हैं लिमिटेड ही होते हैं जी आपके पास या तो आप गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं या फिर आगे, आगे आप लॉ करते हैं या फिर पोलिटिकल साइंस में आगे अपना करियर बनाते हैं या, या। टीचिंग लाइन में चले जाते हैं और कमिंग फ्रॉम बिहार एक होता है कि आपको यू की तैयारी करनी है एक बार अटैम्प्ट देना ही है तो शुरुआत हुई फर्स्ट अटैम्प्ट दिया फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर लिया मीन्स नहीं हो पाया बस उसके बाद फिर वो सिलसिला चलता गया और चार अटैम्प्ट से मैं चारों दिए अपने बट नहीं हो पाया बट अभी आप देख रहे हैं फूड ब्लॉगिंग का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है काफी सारे फूड ब्लॉगर्स निकल के आ रहे हैं और अब एक कंटेंट क्रिएशन को लोग एक करियर की तरह देख रहे हैं बट जब आपने शुरू किया था तब आई डोंट थिंक ज्यादा लोग ये चीज कर रहे थे इंस्टाग्राम भी नहीं था यूट्यूब में लोग करियर नहीं देखते थे उस समय पे आप विनोद दुआ जी को जानते होंगे बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे हम लास्ट टू लास्ट ईयर वी लॉस्ट टाइम बट एक जायका करके उनका जायका इंडिया का जायका इंडिया का उनका शो आता था बहुत अच्छा चलता था तो आप लोग आपने इसको एक करियर की तरह किस तरह से देखा कि इसमें हम करियर कर सकते हैं क्योंकि अब तो हम देखते हैं कि कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी कुछ कर सकते हैं हम उस समय कैसे आपने देखें उस समय जब जिस समय मैंने शुरू किया था उस समय कंटेंट क्रिएशन वर्ड मुझे पता भी नहीं एग्जिस्ट करता था बिल्कुल आ, ऐसा कुछ था ही नहीं उस समय होता था कि ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉग्स लोग लिखते थे तो मैंने भी जब शुरुआत की तो आपको बताया मैंने कि मेरे इंस्पिरेशन रहे राहुल वर्मा जी तो उनके ही आर्टिकल्स पर के एक शौक है कि नहीं हमें भी लिखना चाहिए और फूड एक्सप्लोर करके जो फूड वेंडर्स हैं या फूड की स्टोरीज़ है वो डॉक्यूमेंट की जाए तो मैंने भी अपना ब्लॉग बनाया स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली नाम से और वीकली ब्लॉग्स लिखना शुरू किया uh, उस समय बहुत ही लिमिटेड इंडिया में इनफैक्ट स्ट्रीट फूड राइटर्स सो कॉल्ड आप कहें तो होते थे uh, दिल्ली के तो मैं गिने चुने दो चार लोग थे जो सिर्फ स्ट्रीट फूड के बारे में लिख रहे थे वरना मोस्टली रेस्टोरेंट्स के बारे में था यूट्यूब आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करता होगा बट हम लोग कोई यूज़ नहीं करते थे और मैं बात कर रहा हूँ 2010 की 2010 हजार दस से ग्यारह बारह इस समय की बात कर रहा हूँ और मेरी जब शुरुआत हुई मैंने मतलब ब्लॉगिंग आप कहें तो बाद में शुरू किया पहले था फूड एक्सप्लोर करना और उसको फिर वो शेप ब्लॉक कर लिया और फिर मैंने ब्लॉक के साथ साथ फ़ूड वॉक्स करना शुरू किया फूड वॉक्स क्या होता है कि मतलब एक ग्रुप हो या दो चार लोगों साथ इकट्ठे गए और किसी जाके किसी एक इलाके को एक्सप्लोर किया तो वो वहाँ से शुरुआत हुई उसके बाद जाके आगे जाके मैंने ब्लॉग के साथ साथ वीडियोस बनानी भी शुरू कर दी देखा मीडिया चेंज हो रहा है लोगों की जो रीडिंग मतलब लोग जो पढ़ते थे ब्लॉग्स वो बहुत कम मिलेंगी तो फिर ब्लॉग के ऊपर शिफ्ट कर गए और मैं अपने आप को इनफैक्ट ब्लॉगर बोलता भी नहीं हूँ इनफैक्ट आई डोंट कॉल माय से ब्लॉगर आपने यहाँ पे लिखा फूड एक्सप्लोरर तो मैं अपने आप को फूड एक्सप्लोरर ही बोलता हूँ उसकी कोई वजह हाँ उसकी वजह यह है कि मतलब आप अगर मेरे वीडियोस देखेंगे तो वो ब्लॉग टाइप नहीं होती है मतलब ब्लॉग में होता है कि एक आपने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया कि मैं यहाँ पे हूँ मैं ये करने वाला हूँ मैं कभी नहीं करता ऐसा कुछ हाँ। कुछ वीडियोस में की होंगी ज़रूरत पड़ी होगी जहाँ बट मैं अवॉइड करता हूँ अब देखोगे वीडियो में इंट्रेस्ट नहीं है सीधे वीडियो शुरू हो जाती हैं उसके बाद जहाँ कन्वर्सेशन शुरू होती है फूड के ऊपर अराउंड में और फिर मेरा होता है कि मैं फूड एक्सप्लोर करने के लिए दूसरी जगह जाता हूँ मतलब नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए नए सिटीज़ में नए आपके स्टेट्स में नए नए कंट्रीज में जहाँ मैं नहीं जा चुका हूँ तो वो लगता है कि एक नई फर्स्ट टाइम जो इम्प्रेशन है फर्स्ट टाइम कोई चीज़ को टेस्ट कर रहा हूँ तो वो एक फूड एक्सप्लोरेशन है कि हुँ। आप एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं और दिल्ली फूड वॉक्स की मैंने एक चीज़ देखी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है कि आप अलग अलग जगह जाके खाना दिखा रहे हैं लोग अपने व्यूवर्स को लेकिन उसकी वजह से एक कल्चर हम एक अगर मैं अगर आपकी वीडियो देख रहा हूँ मैं पूरे भारत का एक कल्चर देख सकता हूँ उस खाने के साथ साथ तो आपका ये प्लान था कि ऐसा हो जाएगा या ये अपने आप होता गया देखिए प्लान था ऐसा कि मैं चाहता था कि मैं ऐसे ही शोज़ बनाऊँ कि जिसमें फूड हो लेकिन फूड के आसपास कॉन्वर्सेशन हो मतलब आ, मैं अगर आप वीडियोस देखेंगे मैं लिखता हूँ कनेक्टिंग पीपल थ्रू फूड एंड कल्चर तो आइडिया होता है कि आप लोगों को खाने के जरिए जोड़ रहे हैं अपने कल्चर के बारे में बता बताने को जैसे मैं कहीं जाऊंगा तो मैं वहाँ पे अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उनको समझने की कोशिश करूँगा जैसे अभी मणिपुर की सीरीज़ चल रही है हमारी तो उसमें मैंने बताया कि अलग अलग ये कम्यूनिटीज़ हैं उनका अलग अलग ये खान पान है और बिना किसी प्रेजुडिस के आपने उसको टेस्ट किया उसकी स्टोरी सुनाई तो इट्स नॉट ओनली अबाउट फूड इट्स ऑल्सो अबाउट द स्टोरीज ऑफ द पीपल मतलब जो जिनके साथ मैं मील शेयर कर रहा हूँ उनकी कहानी भी लोगों को पता चले तो, आप किसी फूड ब्लॉगर या किसी को फॉलो करते हैं अभी आ, मैं अभी तो फॉलो नहीं करता इनफैक्ट ऑनेस्टली बट पहले जैसे आपने नाम लिया विनोद दुआ जी का जी। तो उनका जायका इंडिया का शो बहुत देखा है उसके बाद फिर एंथनी बोडेन आ, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके शोज बहुत देखे हैं अभी भी उनकी दो दिन पहले नेटफ्लिक्स uh, पे डॉक्यूमेंट्री आई है रोड रनर अगर आपने देखी तो ज़रूर देखिएगा देखी तो उनके शोज़ मैंने जितने भी सीरीज़ हैं उनकी पार्ट्स सन लोन सी पे उसके बाद ले ओवर आ, अशेफ स्टूअर सारी देखी है और एक बार नहीं दो तो, तीन चार बार तो मैं डॉक्यूमेंट्री भी दो दिन पहले देखी है, मैं फिर उसके दोबारा फिर देखूँगा तो उनका उनके भी स्टोरी टेलिंग का अलग एक स्टाइल था उनका भी ये था कि फूड रहता था बट द अबाउटेशन अराउंड तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपने शोज में वैसी चीज़ें लाऊँ कि वो सिर्फ फूड तक ही लिमिटेड ना रहे बिल्कुल मैं अभी आपसे बात करते हुए मुझे एक एक कोई एक इंसान याद आया वो एक बड़ा अच्छा सिनेमाटोग्राफर है लेकिन वो कहता है कि मेरे को ना सिनेमाटोग्राफी मैं करता हूँ लेकिन मुझे ना बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक मेरे को जानना मतलब ऐसे इच्छा हुई कि मैं अगर कैमरे के बारे में कुछ एक छोटा सा वीडियो भी आता है ना तो वो भी मैं देख जाता हूँ डॉक्यूमेंट्री से लेके कोई एक वीडियो से लेके तो भी मेरे को वो फील आ रही है आपसे बात करके कि आप छोटा सा कोई एक वीडियो भी अगर खाने के ऊपर है किसी चीज़ के ऊपर तो आप वो देख जाएंगे मैं मैंने बताऊँ मैं कॉन्टेंट ज़्यादा फूड का ऑनलाइन उतना नहीं देखता मतलब इन देंस कि जो ऑलरेडी वीडियोस एग्जिस्टिंग यूट्यूब पे हैं अगर कुछ चीज़ ढूंढनी हुई कि मतलब मैं ढूंढना है एग्जाम्पल मैं दूँ कि मुझे इस चाय के बारे में ढूंढना है तब तो मैं जाके यूट्यूब पर ढूँढूँगा बट एज सच मेरा कभी नहीं होता कि मैं माइंडलेस बैठ के शॉर्ट शॉर्ट्स देख रहा हूँ या फिर इंस्टाग्राम पर रील देख रहा हूँ तो चाहे मतलब मैंने कितनों को ही मतलब साथ में फॉलो है इंस्टाग्राम पे मतलब मैं किसी अकाउंट को फॉलो कर रहा हूँ तो नहीं नहीं देखता मैं मतलब पता है मुझे कि क्या चीज़ देखनी है मतलब जैसा आपको बताया मैंने कि वो शो आया आते ही मैंने जैसे लाया है मैंने वो देखा तो मुझे पता है कि क्या नेक्स्ट क्या आने वाला है मुझे कौन से शोज किस टाइप के शोज हैं क्योंकि क्या होता है आज की डेट में समय बहुत कीमती है बिल्कुल बिल्कुल तो लगता है कि आप माइंडलेसली किसी चीज़ पे वेस्ट ना करें बिल्कुल आप कोई ऐसी आप एक घंटे दो घंटे आप किसी चीज पे लगा रहे हैं तो देखने के बाद आपको कुछ लगे कि कुछ प्रोडक्टिव आपने कुछ हासिल किया मतलब कुछ वीडियो को देखने के बाद आपने कुछ सीखा तो मेरे कंटेंट में भी ये रहता है कि मेरा ये कहता हूँ कि वीडियो में इंफॉर्मेटिव रहना चाहिए मतलब आप जब वीडियो देखें आधे घंटे बीस मिनट भी देख रहे हैं तो आपको देख के लगे अच्छा ऐसा लोग वहाँ पर खाना खाते हैं वो खाना ऐसे टेस्ट करता है उस इस, उसकी स्टोरी क्या है जो होस्ट है उनकी स्टोरी क्या थी वो मैटर करता है उसके बाद साथ में एंटरटेनमेंट तो है ही जब आप जिस जगह पे जा रहे हैं आप वहाँ के व्यूज़ भी दिखा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कुकिंग स्टाइल दिखा रहे हैं तो वो भी है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप वीडियो देखने के बाद

एक बड़ा सा मोमो का बहुत कल्चर है तो बड़ा सा मोमो बना दिया उसमें तो मेयोनीज मेयोनीज डाल रखी है कोरमा मैगी ये सब ये सब चीज़ें आई थिंक व्यूज़ के लिए भी हो रही है और अनहेल्दी कितनी है बहुत अनहेल्दी है आपको बताओ मैं जब जाता हूँ किसी के यहाँ वीडियो शूट करने के लिए और मैं देख लेता हूँ कि कैसे कोई कार्ट है या कोई शॉप है वहाँ पे उनके पास मेयोनीज का पैकेट रखा हुआ है क्रीम का डिब्बा रखा हुआ है मक्खन रखा हुआ है मैं उनको पहले बोलता हूँ कि मेरे खाने में मतदाना मैं वैसा वाला कॉन्टेंट ड्राइन कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ओवर कर देना जितना डलता है उतना ही डालना और हाँ। कोशिश करो कि ना डाल तो अच्छा है हाँ। तो मैं वैसी जगह पर उनपे कोशिश करता हूँ कवर ही ना करूँ अगर कवर किया भी कि भाई अब वहाँ गए हैं वहाँ की बहुत ही पॉपुलर डिश है कि कवर करना ही हुँ। है बट लोगों को बोलता मेरे लिए लाइक आप इतना हाथ रोक के डालो बिल्कुल उतना अच्छा है बिल्कुल क्योंकि हेल्थ से आई डोंट थिंक कुछ है बिल्कुल बिल्कुल मतलब आप देखिए आप अपना हेल्थ तो खराब कर ही रहे हैं साथ में जो ऑडियंस वीडियोस देख रही है वो भी कहीं ना कहीं वो देख के एक्सपेक्ट करेंगी कि वैसा ही मिलता है पहली चीज़ उसके सेकेंडली अगर वो ऐसा मिलता भी है तो उनके भी हेल्थ के साथ आप खिलवा और आई थिंक आप एक ऐसी पोजिशन में भी हैं कि लोग आपको देख के वहाँ जाएंगे और आपने कोई ऐसी चीज दिखा दी तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इन्फ्लुंस हो ही जाएगा और वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप उनको अच्छी चीज़ और हेल्दी चीज़ दिखाएं जी इसी को मतलब कहते हैं रिस्पॉन्सिबल कॉन्टेंट क्रिएशन बिल्कुल अब व्यूज को कितना क्या लगता है आपको ज़्यादा वो देते हैं आप व्यूज़ के बारे में सोचते हैं मैं बताऊँ आपको ऑनेस्टली बीच में एक फेज आया था हुँ. जब जब आप बिल्कुल ही एकदम डीप चले जाते हैं कंटेंट क्रिएशन में तो कहीं ना कहीं कभी आपके व्यूज़ डाउन होंगे तो लगे आपको यार बहुत मेहनत की थी व्यूज़ नहीं आए लेकिन अब मैं इस स्टेज पे आ चुका हूँ मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता हुँ. आज भी यूट्यूब में किसी ने ऐसे ही लिखा मतलब एक थ्रेड चला आ रहा है उस पर हमारी अभी मणिपुर की सीरीज चल रही है Uh, उसमें जितने व्यूज एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं आए मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था कि लोग देखेंगे उतना मांगा लेकिन मेनली मैटर ये करता है कि उस पर जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो कैसे हैं मतलब अगर मेरी वीडियो पचास हज़ार लोगों ने देखी पचास हज़ार लोगों में में से अगर सौ लोगों ने कमेंट किया है तो वो सौ लोगों में कमेंट्स कैसे हैं इज इट पॉजिटिव और इज़ इट नेगेटिव और लोग पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है तो सौ लोगों के भी कमेंट्स अगर पॉजिटिव हैं उसमें से फिफ्टी परसेंट भी कपोजिटिव है तो वर्क इज़ डन कि लोगों को पसंद आए और तो व्यूज़ मैटर नहीं करता है क्योंकि मैं बताया कि मेरा काम फूड एक्सप्लोरेशन का है तो मैं अपने लिए जा रहा हूँ कि मैं वहाँ जाके शो बना रहा हूँ उसके उसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कहीं किसी के व्यूज ज़्यादा मिलते हैं किसी के व्यूज़ कम मिलते हैं बट मेरा शौक है कि मैं जाके वो एक्सपीरियंस करूँ वो चीज़ देखूँ कि वही मैं अभी इनफैक्ट अपनी टीम को ही बताया था मैं कोई बात नहीं वीडियो चले ना चले व्यूज़ आए ना आए वो मैटर नहीं करता बट एटलीस्ट वी वर देअ वी एक्सपीरियंस डैट हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस की हमने वो चीज़ वहाँ जाके देख, देख के आए तो और व्यूज़ का तो आपको पता ही ये सारा एलोक्रिथिम्स का खेल रहता है कभी कोई वीडियो स्ट्रीट फूड की वीडियो होगी वो बहुत चल जाएगी हुँ. और कोई बिल्कुल सिंपल वीडियो होगी कहीं पे घर पे किसी खाना बनना वा ना चले बिल्कुल अपने ऊपर होता ही है वो हाँ, चीज़ तो कभी तो कभी, तो कभी लगता है कि ये वीडियो चलेगी नहीं चलेगी बट वही सबसे ज़्यादा रीच हो जाती है उस वीडियो तो की। मैंने उसमें किसी ने लिखा यूट्यूब पे कि योर पॉपुलरिटी इज़ गोइंग डाउन अच्छा तो मैं लिखा उसमें कि लाइक आई डोंट मेक वीडियोस फॉर पॉपुलर मैं मतलब पॉपुलर होने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ मेरा मन था मैंने गया वहाँ पे और वहाँ जाके वीडियो बनाई लेकिन ये मैटर करता है कि जो सौ लोगों ने कमेंट्स किए उनके कमेंट्स कैसे थे उनको पसंद आई तो जितने व्यूज देख रहे हैं उनके लिए तो आप कंटेंट बना ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि जब आपने शुरू दिल्ली के तो जब आपने और जगह जाके शिफ्ट किया फूड एक्सप्लोर करना तो क्या कभी आपको ऐसे दिल्ली वालों से कोई क्रिटिसिज्म मिला कि तुम तो यहाँ का करते थे अब तुम किसी और शहर का दिखा रहे हो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ अभी तक लोग ये जो बोलते हैं कि नाम दिल्ली फूड वॉक्स क्यों है मतलब अभी भी लोग कमेंट्स आते हैं बदल के इंडिया फूड वॉक्स कर दो जी 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 या कोई और नाम रख दो बट उसमें भी ये होता है कि बहुत लोग दिल्ली फूड वॉक्स नाम से इतने अटैच हो चुके हैं मतलब मैं तो अटैच हुई मैंने शुरू किया है बट मेरे से ज़्यादा जो लोग ऑडियंस है वो उस उससे अटैचड है मैंने बीच में नाम चेंज किया था तो कुछ महीने के लिए नाम चेंज किया उसको दोबारा दिल्ली फूड वॉक्स करना पड़ा क्योंकि लोगों ने कौन शुरू करना कि उनको एक अटैचमेंट थी कि दिल्ली फूड वॉक्स नाम से तो वैसा कभी रहा नहीं कि मैं उल्टा लोगों का अप्रिसिएशन बहुत मिला है जो लोग वीडियोस देखते आ रहे हैं लोगों को पता नहीं था कि अच्छा ऐसी चीज़ें भी हैं हमारे इंडिया में वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें मिलती है तो लोगों का एक जो एक व्यू पॉइंट है इंडियन फूड को लेके वो बहुत बदला है कोई ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह है जहाँ अभी आप जाना चाह रहे हैं मतलब इंडिया ऐसा कंट्री है कि एक लाइफ टाइम भी वही पूरा नहीं कर सकते बट ये कि मेरा अभी दो स्टेट्स बच रहा है त्रिपुरा मिजोरम अच्छा जहाँ मैं एक बार जाना चाहता हूँ तो होपफुली इन कमिंग मंथ्स मैं जाऊंगा त्रिपुरा मिजोरम मैं अभी तक के आपके फूड एक्सप्लोरेशन के सबसे खूबसूरत एक ट्रिप के बारे में जानना चाहूँगा बहुत सारे हैं मतलब जहाँ भी गया हूँ मैं वो हर जगह पे जो भी ट्रिप्स होती है वो अच्छी होती हैं और आप ऐसे कोई स्टेट के बारे में पूछोगे तो मैं आपका स्पेसिफिकली बता सकता हूँ बट लेकिन रिसेंटली अभी जैसे मैं जो रीसेंट ट्रिप अभी हमारी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है मणिपुर की वो बहुत एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे मेरा एक फेवरेट स्टेट है मणिपुर और वहाँ पे अभी तो न्यूज़ में अच्छी चीज़ों के लिए नहीं है बट वो मैं बहुत सी जगह लगी और uh, मैंने इनफैक्ट अभी हमारा लास्ट एपिसोड इस सैटरडे को आने वाला है उसमें मैंने लास्ट में कहा भी जबकि रिकॉर्डिंग जनवरी फेबरी में की थी मतलब मैं जनवरी फेबरी में गया था और लोगों को लग रहा था कि अभी इस समय कैसे गया तो मणिपुर मुझे स्टेट बहुत अच्छा लगा साथ में जो होस्ट थे वही है कि आप कैसे लोगों से मिलते हो वो पूरा एक्सपीरियंस बदलता है तो मणिपुर में जो मेरे साथ होस्ट थे उनका नाम वो एक वो टूर कंपनी चलाते हैं लिविंग मणिपुर नाम से अमो नाम है उनका और तो वो ऐसा थे कि वो वन मैन आर्मी टाइप्स मतलब एयरपोर्ट से पिकअप करना है जी। तो वो खुद आ रहे हैं कुकिंग करना है तो खुद करवा रहे हैं होम स्टे भी खुद चला रहे हैं और सारे एक्सपीरियंस वो खुद प्लान कर रहे हैं तो मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा कि कितना एक इंडिविजुअल में कितना पैशन हो सकता है अपने काम को लेके कि वो एज अ ड्राइवर भी वही है एज अ शेफ भी वही है एज अ होम स्टे मैनेजर भी वही है मैंने शायद से वो वीडियो देखा था आप रात में बैठ के खाना खा रहे थे वही जी जी की जी बात हा, करें खानों के बारे में थीक, थीक, थीक। तो बहुत एक एक उनसे दोस्ती हो गई तो मणिपुर स्टेट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मतलब ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है एक बताना मुश्किल है वो लोग कोई एक शहर बोलोगे आज मुझे वहाँ के लोगों की स्टोरी ज़्यादा देहरादून में हमारे पहाड़ी खाने के बारे में आप क्या सोचते हैं <laughs> पहाड़ी खाना मुझे है कि देहरादून में पहाड़ी खाना जितना पॉपुलर होना चाहिए उतना वो नहीं है वो तो है आ, ऐसे आप उत्तराखंड में कहते हैं ना दो रीजन है गोवाल और कुमाऊँ कुमाऊँ में ज्यादा है मतलब कुमाऊँ मैंने एक्सटेंसिवली ट्रेवल किया है दो तीन साल पहले ही गया था मैं आपका खुरपाताल से लेकर आगे अल्मोड़ा और सारी जगहें कवर करके आया था तो मैंने देखा वहाँ पे रास्ते में हर जगहों पे उत्तराखंड का खाना आपको माउनी खाना आराम से मिल जाता है लेकिन देहरादून में हम लोग बैठे हुए हैं अगर यहाँ पे आपसे पूछू मैं कि दो तीन जगह का नाम बताइए जहाँ पे देसी खाना मिल जाए हाँ। तो पहाड़ी खाना मिल जाए तो ध्यान में नहीं आता कहाँ जाए और जहाँ पर है भी तो वहाँ पर वो आप जाएँगे तो वो शायद एक चीज़ होगी दूसरा वो बोलेंगे कि नहीं हमने बनाया नहीं है किसी लोग पूछते नहीं है अब वो वाजिब भी है कि लोग घरों में बना लेते हैं लेकिन जो लोग

आपका आ, मतलब आलू के गुटके हो गए जी जी जी। रोट हो गया और एक अरसे बनता है ना अरसे अरसे, हाँ, अरसे, अरसे हो गए रोट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि रोट हम लोग बिहार में वो खाते हैं ठिकुआ उससे बिल्कुल मिलता जुलता जाता है जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो पतियुड़ खाए आपने पत्यूड़ भी खाया जो आपका अरबी का पत्योड़ वो भी भी खाए फिर नाल बड़ी होती है आपकी वो खाए फिर चैसू चे, चैसू चैसू हो गया हाँ। फिर गहत की गहत की दाल, की दाल। गहत की दाल हो गई उसके बाद ड्रिंक्स में पल्लर वगैरह होता है पल्लर हो गया छाछ वाला जो हाँ, तड़का लगा हाँ, के हाँ, बनाते हैं और मडुए की रोटी होगी झंगोरे की खीर होगी बहुत कुछ खाया है मतलब बढ़िया तो देहरादून में जब आप आते हैं तो आपका कुछ ऐसा बता सकते हैं टॉप फाइव जगह है पे आप जाते ही जाते हैं मतलब जो आपको सबसे अच्छी लगती है सर टफ क्वेश्चन देहरादून में कौन सी जगहों पर जाता हूँ लेकिन देहरादून में मतलब सच मैं आता हूँ तो सिर्फ खाने के पर्पज से ऐसा नहीं रहता है यहाँ पे बट कुछ जगह हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है एक आपका जो डिश है यहाँ पे बन टिक्की देहरादून की ऐसी बन टिक्की आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी बिल्कुल इनफैक्ट बेकरी तो अच्छी है ही तो एक बन टिक्की वाला है आपका द्वारका हाँ जी अभी हम एक्चुअली बात भी कर रहे थे उसके बारे में जी तो उसकी बंटी की बहुत पसंद है मुझे और उसके बाद आपके सेकंड हो गया यहाँ के जो छोले कतलम्बे हैं जी जी और उसमें मैंने अभी तक एक नहीं खाया है मुझे जाना है वहाँ पे एल के पास में जो है आ, मैंने भी सुना है बस मैं okay, खाया नहीं है वहाँ पर मैं हमेशा अंदर में खाया आपका जो मोती बाजार के पास में मामा

तो वहाँ पे उसके मोह मुझे बहुत पसंद थे अब पता नहीं कैसे हैं बहुत सारे जगह ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे बार बार जाना पसंद करता हूँ कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है आपके किसी टूर में बुरा एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ फूड फूड या फिर बिहेवियर किसी भी चीज़ में देखिए बिहेवियर तो नहीं कहीं पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके से वैसी अनुकूल नहीं होती मतलब जैसे आप प्लान करके जाते हैं वैसा आप कहीं कहीं पर नहीं कर पाते हैं जैसा मेरा वैसा एक्सपीरियंस इंडिया में ऐसे थोड़ा बहुत साउथ इंडिया में तमिलनाडु में रहा है कि जिस तरह से प्लानिंग करके गया उस तरह से मैं शूट नहीं कर पाया वीडियोस वहाँ पे तो कुछ कुछ जगहों पे ऐसा रहता है कहीं पे परमिशन की प्रॉब्लम आती है कहीं कहीं पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है तो कहीं कहीं पर आपका जो जिनके साथ आप कॉर्डिनेट कर रहे होते हैं लास्ट मिनट में कुछ कैंसिलेशन हो जाती है तो वैसा रहता है मतलब ऑफ पार्ट पार्सल पार्ट हर चीज़ बिल्कुल, बिल्कुल वैसा ही नहीं चल सकती बिल्कुल तो वो सही है ऐसा भी है तो मैं जैसे अभी आपकी लाइफ के बारे में सोचूं तो जैसे आप बता रहे थे आपके पड़ोस में ही पूरी एक इंडियन कल्चर था पूरा अलग अलग जगहों का खाना बनता था तो आपको कभी आप सोचते हो कि कोई एनर्जी है या आप किसी चीज़ को मानते हो कि ये सब लिखा हुआ ही था कि आपको बचपन में भी वही सब चीज़ें मिली और अभी भी अगर आप देखें तो आप काम भी वैसा ही कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो बचपन से आपको ये चीज़ मिली है तो कहीं कुछ लिखा हुआ था आप मानते हैं इन चीज़ों में नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं मानता जैसे देखिए मैं कहाँ यू की तैयारी कर रहा था उसके बाद मैंने एन में जॉब की उसके बाद फिर इसमें आया तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं ये फूड वॉक करूंगा और ऐसा ही प्लान था कभी मैं सोचा ही नहीं था कभी मैंने कि यूट्यूब की वीडियोस बनाऊँगा जाके ऐसे बताया कि मैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए शुरू किया था बड़ा सेल्फिश मैं इस काम को लेके कि मुझे फूड एक्सप्लोरेशन का शौक था तो जब वीडियोस की भी शुरुआत ऐसे ही हुई मतलब जब मैं दिल्ली में सात साल मैंने फूड वॉक किया तो मुझे लग दिल्ली का खाना बहुत एक्सप्लोर हो गया अब कहीं बाहर जाना चाहिए तो मैं चला गया बनारस अच्छा बनारस में घूम के आया वहाँ पर अपना कोई कैमरा वैमरा कुछ नहीं जाके अपना जहाँ जहाँ खुद से अकेले गया वहाँ हॉस्टल में रुका जाके पूरा शहर घूमा उसके बाद आके ब्लॉग लिख के डाल दिया उसके बाद सेकेंडली फिर हुआ कि कोकटा चले जाते हैं मैंने कोकटा खाना खाने का मन किया कोकटा चला गया फिर मन किया केरला केरला चले गए <laughs> तो ऐसे ही अपने आप घूमना शुरू किया फिर लगा कि यार ये मैं जा रहा हूँ क्यों ना इसको डॉक्यूमेंट भी कर लूँ इनको कहीं पे अपनी मेमोरीज के लिए जैसे भी डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो वैसा कुछ नहीं था प्लान कि मैं इसको अपना करियर बनाऊंगा यूट्यूब की वीडियोज़ बना के कंटेंट क्रिएशन करूंगा तो वो तो अपने शौक़ के लिए जा रहा था जाते जाते फिर हुआ कि चलो एक कैमरा मैन को साथ लेके चलते हाँ, हैं फिर वो डॉक्यूमेंट शुरू करना करना शुरू किया वीडियो डाला वीडियोज़ लोगों को समझ में आती नहीं थी मेरी मतलब इन देंस कि मैं वैसा ब्लॉगर टाइप या कॉन्टेंट फूडी टाइप लगता नहीं होता तो लोग बोलते थे यार इसकी चश्मा पहनता हूँ कि ये तो इंजीनियर लगता है ये तो आपका प्रोफेसर टाइप लगता है ये सब चीज़ें आती हैं आप अभी भी मेरे पाँच साल की पुरानी आके देखो कमेंट्स आए हैं कि इंजीनियर like <laughs> आपको तो मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में होना चाहिए था आप डॉक्टर की तरह लगते हो तो वैसा लोग बोलते थे लेकिन मेरे मैं कोई बात नहीं बोलने तो मैं तो मैं वहाँ पे गया हूँ मैं ये चीज़ खा के आऊँ मैं उसमें खुश रहता था कि मैंने वही नई चीज़ मैं वहाँ जाके देख के आऊँ तो एव एक्सपीरियंस डेट और मैं तो सिर्फ अपने उसके लिए डालता जा रहा हूँ फिर धीरे 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 जो वही लोग जो क्रिटिसाइज़ करते थे हाँ। उनको ही वो वीडियो बाद में फिर समझ में आने लगे नहीं ये कंटेंट तो अच्छा है ये अल अलग है इस जैसा लोग बनाते हैं वैसा नहीं है हाँ। कि आप कैमरे के सामने में उछल कूद रहे हो या फिर आप अलग अलग आवाज़ें निकाल रहे हो खाना खाने के बाद तो वैसा नहीं है तो वही जो क्रिटिक थे वही दोबारा आपके अप्रिशिएशन में बदल गए क्रिटिसिज्म से आपको पहले से ही प्रॉब्लम नहीं थी आप एक मेचोरिटी के बाद आपको लगा कि अब मेरे को सुनना नहीं है सब नहीं, नहीं। मेरे को कभी भी ऑनेस्टली क्रिटिसिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बहुत जल्दी मतलब मैं होता है ना किसे मैसेज जो व्यू आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं सिर्फ जो ज़्यादातर कमेंट्स पॉजिटिव फीडबैक हैं या पॉजिटिव कमेंट्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करता था निगेटिव वालों को इग्नोर ही करता था कि मतलब वो जो होता ना कि निगेटिव जो आपको बोलेगा वो बार बार नेगेटिव ही बोलेगा वो अच्छा बोलेगा ही नहीं आपको तो आपको कमेंट्स से काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है जैसे नेगेटिव आपको पॉजिटिव आता हूँ पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है जैसे आपको कोई भी वर्ड पिक कर लो जिसको मैं ठीक से साफ नहीं बोल पाता था तो मुझे लोगों ने बताया नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए कि जैसे अब क्या एग्जांपल दूँ मतलब कोई भी ऐसे शब्द होते हैं बहुत सारे जी, जी. जैसे डेजर्ट्स है डेजर्ट्स है डिलीशियस है हुँ. मतलब कुछ सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप आ, गलत बोल जाते हैं जी. तो आपको उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है हाँ. कि कोई स्पाइसेस के बारे में आपने कुछ गलत बोला तो कमेंट्स में तुरंत आ जाएंगे नहीं आपने गलत बोला है तो इससे पॉजिटिव फीडबैक है आपको सीखने को मिल रहा है तो आपने करेक्ट किया नेक्स्ट टाइम उसको अपने वीडियो में अपने कंटेंट में तो दैट्स लाइक पॉजिटिव फीडबैक लेकिन नेगेटिव है कि वो आपको हमेशा कोशिश करेंगे कि नहीं गलत ही हो आप तो उनको अच्छा है कि आप इग्नोर करें तो आ, मैंने बहुत दिन बाद जाके उस पर ये जो आपको कॉमेंट बताया मैंने पॉपुलैरिटी वाली मैं रिएक्ट नहीं करता लेकिन मेरे को लगा कि इस पर रिएक्ट करना चाहिए <laughs> कि लाइक लोग पता चले कि आई लाइक आई आई एम नॉट क्रिएटिंग कॉन्टेंट टू बी टू बी पॉपुलर मतलब मैं कर रहा हूँ कि मुझे मैं चाहता हूँ ये कर बिल्कुल आ, आपके YouTube में वन मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं आपको जब गोल्डन प्ले बटन मिला YouTube का आपको कैसा फील हुआ क्योंकि जब लोग YouTube जर्नी स्टार्ट करते हैं तो एक एक गोल होता है सबका कि वो YouTube गोल्डन बटन मिले हमको कैसा फील हुआ था आपको उस दिन फील तो बहुत अच्छा हुआ था और साथ में ये था कि इस सिर्फ ये मेरे लिए नहीं था मेरी टीम मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि राहुल है श्वेता है जी हम लोग मतलब तीन लोग साथ काम करते आ रहे हैं काफ़ी समय से राहुल मेरे साथ ट्रैवल भी करता है शूट भी करता है एडिट करता है श्वेता है कॉन्टेंट लिखती है तो इस टीम वर्क तो हम तीनों के लिए एक था कि हम लोगों ने कैसे उसको आप मतलब आप कहते हो ना कैसे उसको चैनल को बढ़ते हुए देखा बिल्कुल बिल्कुल। है कहाँ जीरो से शुरुआत की और एक समय था कि जब पाँच हज़ार फॉलोअर्स होता है पाँच हज़ार फॉलोअर्स हो गए पहली बार जो आपके व्यूज़ थाउजेंड क्रॉस करते हैं लगता है थाउजेंड लोगों ने देखा है यार देख रहे हैं देख रहे हैं फिर आप जब बाहर लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि हाँ लोग वीडियो देखने वाले लोग बोलते हैं आपकी वीडियो हमने हरवा वाली तो देखी।, देखी आपकी वीडियो देहरादून वाली देखी तो वो अप्रिशिएशन और साथ में ये जो आपको यूट्यूब से जो प्ले बटन मिलता है वो टीम के लिए काफ़ी आपको मोटिवेट करता है कि आप और अच्छा करें डेफिनेटली मैं बहुत रिलेट करता हूँ आपकी इन बातों से क्योंकि जब भी हम जैसे डेली फूड वॉक शायद आपके लिए एक बच्चे की तरह होगा जैसे स्मॉल टाउन से मेरे लिए एक बच्चे की तरह जितना कॉन्टेंट हम उसको फीड करते जाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा जिस तरह का कॉन्टेंट हम उसको फीड करते रहेंगे उस तरह से वो बढ़ता जाएगा तो मैं बहुत रिलेट करता हूँ आपकी इन सब चीज़ों से तो अभी आप देख ही रहे होंगे ऑनलाइन इंस्टाग्राम में काफी अतरंगी तरह का कॉन्टेंट बन रहा है तो और इससे मेंटल हेल्थ भी बहुत इशू हो रहा है इशू बढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ के आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को कि आप किस तरह का कंटेंट देखें अगर हम सोशल मीडिया को एज अ टूल की तरह लें कि इससे हम अच्छे कंटेंट भी देख सकते हैं अगर हम वो जैसे मैंने बताया फेंटा मैगी ये सब एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है बट हम ये सब चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं अपने लिए एक, एक ख़राबी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जैसे आपको मैं शुरू में ही कह रहा था कि टाइम आपके लिए बहुत प्रीशियस है मतलब तो उस टाइम को कैसे आप यूटिलाइज़ करते हैं वो मैटर करता है सेकेंडली आप किस तरह के कॉन्टेंट क्रिएटर को आप फॉलो कर रहे हैं मतलब आप किस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हैं एक ऐसा कॉन्टेंट भी होता है जिसमें आप देखेंगे सामने इतना सारा खाना लग के लोग बैठ के खाना खा रहे हैं कुछ होता है जिसमें उससे बहुत खराब इम्पैक्ट बहुत सारे बच्चों को पड़ा है जी, आ, मुझे काफी लोग बताते और हैं इन चीज़ों की वजह से सोशल मीडिया को बुरा माना जाता बुरा है माना जाता। तो उसको ये कि आप कैसे यूज़ करते हैं मतलब मतलब यूज करना अच्छा है मतलब आप यूज़ करिए लेकिन आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ यूज कर रहे हैं आप उसको आप बताया मैं मैंने कि एक ऐसा है कि माइंडलेस स्क्रोलिंग और ये होता है कि नहीं मैं अपने टाइम निकाल के थोड़ी देर के लिए वो देखा उसके बाद फिर साइड कर दिया और वैसी चीज देखा जिसको देखने के बाद आपको लगे कि मैंने कुछ इससे सीखा Hmm. या देख के मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ वरना होता है कि, आ, कि आप स्क्रॉल करते देखेंगे ये अरे क्या था ये आपने hmm. फेंटा मैं देखा मतलब मैंने ही देखा अभी तक तो आपने <laughs> देखा मैंने वीडियो देखी नहीं हो hmm. और मेरे को याद भी नहीं ऐसी कौन सी वीडियो लास्ट में से लोग पूछते हैं वहाँ पैसा <laughs> हुआ था मैंने मुझे पता ही नहीं मैं देखी <laughs> नहीं वीडियो वाली hmm. तो वही होता है कि लेकिन जो मैं कंटेंट क्रिएटर को मैं फॉलो कर रहा हूँ किसी को भी और तो मैं बहुत ही कॉन्शियसली पिक करता हूँ कि मुझे इसको फॉलो करना है इसका कॉन्टेंट देखना तो डिसाइसिव होके कि आपको क्या देखना चाहते हैं आप और, क्योंकि आजकल ये बहुत ही ईजी टू एक्सेस चीज़ है और नॉलेज हम इसी से ही गेन कर रहे हैं सारी की सारी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही कॉन्टेंट क्रिएटर्स चूज करें अपनी नॉलेज के लिए तो आ, अभी बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स आ रहे हैं आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे उनको जो इस फूड ब्लॉगिंग का करियर अपना शुरू करना चाहते हैं जो फूड एक्सप्लोरर भी बनना चाहते हैं देखिए ये भी एक जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है मैं कहता हूँ कि फूड ब्लॉगिंग आ मतलब अगर कोई शुरू करना चाहता है तो ये सोच के ना आए कि मैं इसमें आने के बाद काफ़ी ग्लैमर है और आप फेमस हो जाएंगे ऐसा हो जाएगा और सब चीज़ का एक मतलब जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्टिव से ना करें तो एक तो ये है कि वैसा सोच के ना आए मतलब ऐसा नो साइन और अगर आ रहे हैं फूड ब्लॉगिंग में तो ये सोच के आए कि आपको ओपननेस आप में होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग फूड कि एजिटेशन ना हो कि मैं ये नहीं खा सकता मैं वो नहीं खा सकता अपने प्रेजिटेशन के साथ ना आए कि वो ऐसा खाते हैं अरे वो कैसा खा रहे हैं और अपने मतलब आपका जो पैलेट है वो कहता हैं ब्रॉड पैलेट होना चाहिए कि यू आर कूपन टू ट्राई एनी और, तो और थर्ड ये है कि पैशन बिल्कुल जो तो पैशन इज़ लाइक कॉमन फॉर एवरी थिंग वी डू मतलब कोई फूड नहीं किसी में भी जाए म्यूजिक में जाए स्पोर्ट्स में जाए किसी में भी जाए तो पैशन होना चाहिए तो पैशन भी आइडेंटिफाई करके आए मतलब ये नहीं कि मुझे उससे Uh, मतलब अर्निंग जरूरी है रेवेन्यू सबके लिए इंपॉर्टेंट है बट ये कि सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव के लिए ना आए अगर शौक़ है तभी आए उसको और फोर्थ है कंसिस्टेंसी कि उस चीज़ को करते रहें से आपने बताया कि आपका शो है आप एक शो के बाद दूसरा शो बना रहे हैं तो वो कंसिस्टेंसी रहे आपके काम में तो लगातार करते रहना पैशन के साथ करनाज के साथ करना और ओपननेस के साथ करना आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने की जब भी हम कोई काम शुरू कर रहे हैं वो पैसे और व्यूज़ के लिए ना करें ये सब चीज़ें पीछे आ जाती हैं अपने आप बिल्कुल आपको लगता है ये सब समझना ज़रूरी है ये जरूरी इस जर्नी में लेकिन होता है क्या है कि कहीं ना कहीं लोगों पर जब शुरुआत होती है कि चलो वह वीडियो बनाना शुरू करते हैं जब आपके अकाउंट में रेवेन्यू आता है तो होता नहीं एक ग्रीड होती है लोगों की अरे दस रुपये आए सौ आ गए हज़ार आ गए लाख आ गए दस लाख आ गए अरे मैं तो इस वॉर कर सकता हूँ तो ये जो क्रेविंग है उसका कोई एंड नहीं है ना तो वो आप कितना भी आप बहुत सारे कॉन्टेंट मुझे बोलते हैं कि आप फेसबुक पे वीडियो बनाओ आजकल लोग फेसबुक में आप बड़ा इस ईजी टू मेक चाहिए मोबाइल लेके आप कंटेंट बना लो अब डालो तो शुरू हुआ था लेकिन मैं नहीं मैं आई एम हैप्पी विथ वन प्लेटफॉर्म साथ में उसमें से हम लोग छोटी मोटी क्लिप्स वहाँ डालते रहते हैं तो मेरा होता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मोनिटरिंग इंपॉर्टेंट है कि इतना आप अपने आप को सस्टेन कर सकें आपका जो मेरा जो ट्रैवल है मैं ट्रैवल के एक्सपेंसिक उठा सकूँ मैं अपने एडिटर को कॉन्टेंट क्रिएटर जो भी राइटर्स हैं उनको पे कर सकूँ मतलब और बस ये कि अपने आपके मतलब उसकी क्रेविंग नहीं होनी चाहिए कि अगर ये है तो उसके बाद मैं और कमाऊँ जहाँ उसके तरफ चले गए तो आपका कंटेंट कहीं ना कहीं एक समय के बाद वो डाउनलोड होना शुरू होना ही है उसमें क्योंकि आपका फिर वजह कि मैं इसके लिए बना रहा हूँ मैं बहुत सारे आपको बताता हूँ मैं मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं फूड के उनके साथ सबके साथ काम किया है मैंने आप आप उंगलियों में नाम लेंगे अगर वो इंडिया में आए हैं और दिल्ली में आए तो उनके साथ मैंने वीडियो बनाई है और अभी भी बहुत लोग आने वाले हैं जो अभी रिसेंटली गए तो मैं देखता हूँ कि जब वो फील्ड पर रहते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि अरे ये वीडियो चलेगी यहाँ का शूट करो चाहे वो कहीं ना कहीं वो अच्छा है नहीं है मेरे साथ भी हुआ मैंने उनको बोला है, मैंने कहा मैं आपकी वीडियो में इस जगह पर नहीं रहूँगा क्योंकि मुझे इसका खाना पसंद नहीं है hmm. तो मैं वहाँ से साइड होता हूँ मैंने कहा आप कॉन्टेंट बना लीजिए लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को कोई मेरी वीडियो देख के वहाँ पे खाने के लिए आए और वो डिसअपॉइंट हो बोले कि यार ये क्या था wow. और आपने रिकमेंड किया तो मैं अपने आप को साइड कर मैंने कहा आप शूट कर लो <laughs> आपकी वीडियो है आपको व्यूज़ अच्छे मिल जाएंगे मुझे ऐसा मतलब नहीं है लेकिन मैं इस जगह पे ये रिकमेंड मैं नहीं कर रहा हूँ तो एक होता है कि वो उनका ऑब्जेक्टिव से होता है कि दिस इज़ गोइंग टू हिट मिलियन दिस इज गोइंग टू हिट मिलियन और लेकिन मेरा होता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे जो ऑडियंस हो उसको सही चीज़ पता चले उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना आ जाए और वो वहाँ पे दोबारा जाए तो बोले कि वैसा ही एक्सप्रिय जैसा आपको मिला था वैसा मुझे मिला बिल्कुल बिल्कुल तो जो आपने बताया कि ये उन लोगों को पहले पता लग जाता है कि मिलियंस टच करेगा ये करेगा तो वो एक मैकेनिकल वे है काम करने का राइट बिल्कुल, बिल्कुल, वो दिल से काम नहीं है नहीं खुशी नहीं मिल रही मिल रहा था उनका ऐसा ना है कि आपका एक आ, मैं देखता हूँ आपको ऐसा एक क्या बोला जाए है कि वैसे आप स्टॉप पे किसी जगह देखा आपने कि यहाँ पे इतने स्केल पे खाना बन रहा है इतना कुछ मलाई करी मक्खन जा रहा है तो उनको लगे ये तो वीडियो चलेगी ये हाँ। ये शूट तो तो जो आप देख रहे हो फेंटा और सब वही है है बिल्कुल बिल्कुल बट दूसरा एक होता है कि नहीं मैं व्यू व्यू के लिए नहीं मैं यहाँ पे असल में अच्छा खाना मिलता है होता है कि लोग कम आते हो लेकिन खाना अच्छा है तो उसके लिए कॉन्टेंट में आना तो उसमें व्यूज में फर्क आ हाँ। जाता है बिल्कुल मैंने जब कॉन्टेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने एक चीज देखी है कि लोगों के लिए बहुत आसान होता है अच्छा या बुरा लिख देना कमेंट्स में लेकिन उसके पीछे की जो हार्डशिप होती है वो एक कंटेंट क्रिएटर को ही पता होती है तो आप जब टूर्स में जाते हैं तो आप वो क्या हार्डशिप्स है जो आप फेस करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप तो जैसे जब शूट पे जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं मतलब प्रॉब्लम्स से उसको आप तो चैलेंजेस बोल सकते हैं अब भी इक्विपमेंट की बात कर रहे थे इक्विपमेंट टेक्निकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है फॉर एग्जांपल तो हम लोग केरला में शूट करने के लिए गए नॉर्थ केरला का शूट था फर्स्ट डे फर्स्ट वेन्यू पे हम uh, एक शेफ़ के यहाँ मतलब बहुत ही रिनाउंड शेफ़ है वहाँ की उनको uh, मालाबारी क्वजिंग के बारे में बहुत नॉलेज है मतलब मोपला उनको क्या क्वीन ऑफ मोपला क्वजिंग ही बोलते हैं तो क्या घर पे हूँ मैं शूट चल रहा है बीच में रहते हुए राहुल ने बोला इसमें कैमरा के पोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है वीडियो ऑडियो कैसे करेंगे अब फर्स्ट डे फर्स्ट शूट हमारा कैमरे का इक्विपमेंट का प्रॉब्लम शुरू हो गया तो उसमें फिर हुआ कि हमने यहाँ पे दिल्ली में सोनी में मेरा एक फ्रेंड था उसको कांटेक्ट किया उसने बोला कोची जाओ अब कोचिन जाना आपको हम लोग कहाँ थे कैलीकट में थे पाँच छः घंटे कैसे जाएँ क्या करें फिर कैसे करके आइए जो इंटरनल मेमोरी है उसको ऑन हाँ। उन किया उनका कंप्यूटर मांगा उनके घर पे कि हमें कंप्यूटर दीजिए फिर पोर्ट लगाया कैसे कैसे करके हमने किया फाइनली फिर नेक्स्ट पूरा शूट हम लोग ये था कि ऑडियो इसमें इंटरनल रिकॉर्ड करते रहे या तो फिर हमें होता है कि हम एक दिन वहाँ जाएँ तो आप एक दिन लूज कर करोग आपका ट्रैवल पूरा एक एक दिन का शेड्यूल प्लान रहता है तो एक तो ये रहता है दूसरा होता है बहुत जगहों पर कहीं आप गए प्लान करके कि हम ये चीज़ कवर करेंगे दुकानें बंद मिली उसकी भी एक कहानी है हम लोग गए हुए थे मदुरई पोंगल के टाइम पे तमिलनाडु का मेरा टूर था मदुरई पौंडीचेरी और पौंडी जगह चेन्नई की और मदुरई तीन जगह थी तो मदुरई पहुँचे तीन दिन के लिए पूरा शहर ही बंद तो बोले अब आपका प्लान बनाया हुआ है आपने वहाँ पे फूड जॉइंट नहीं मिला कुछ जगहों पे होता है शूट अलाउ नहीं करते जैसे हाँ। आप सोच के गए कि मैं इनके किचन में जाके प्रिपरेशन दिखाऊँगा कि नहीं आप सिर्फ बाहर खा सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे चैलेंज आते हैं कहीं पे आप लेट हो रहे होते हो कहीं आप जल्दी पहुँच रहे होते हो कहीं पर ओनर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं कहीं पर बहुत सारी चीज़ें हैं कभी ट्रैवलिंग का इशू आ रहा है तो वो सब रहता है जी अभी इस पॉडकास्ट से पहले ही मेरे साथ सेम ये चीज़ हुई इसका मेमोरी कार्ड फुल हो गया बल्कि मेमोरी कार्ड में कोई स्पेस खाली था ये पूरा मेमोरी कार्ड अपने आप अप फुल हो गया पॉडकास्ट चलते चलते वो तो गेस्ट काफी कोऑपरेटिव थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बट अपने आप ही हो गया फिर कार्ड फॉर्मेट करना पड़ा ये अपने आप ही पता नहीं क्यों आई ये चीज़ तो ऐसा भी होता है तो एक बार आपको याद है कानपुर में मैं एक नए मेरा एक करीब था उसके साथ गया शूट करने के लिए और फर्स्ट शूट उसने शायद तो कैमरा ऑन नहीं किया क्या नहीं किया वो शूट पूरा हो गया अच्छा मतलब वो सेगमेंट था हमारा कि उनके चाय का प्रिपरेशन वगैरह सब कर रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ हो गया और मेरे साथ क्या इशू है कि मैं वीडियो में स्क्रिप्टिंग नहीं करता मतलब आई कीप इट नेचुरल कि जैसे चल रहा है बस ये रहता है कैमरा भाई कैमरा ऑन रखना जब तक मैं कट ना बोलूँ कैमरा रोल करते रहना और तो वहाँ पर वही हुआ उसको उसको पता चला नहीं मैंने भी अपना करता है उसका उसका सर तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ मैं रिकॉर्ड नहीं हुआ मैंने कहा मैं सारा इतनी दस्ट मिनट बोल लिया <laughs> और दोबारा बोलो मैंने दोबारा फेक नहीं कर सकता <laughs> कि दोबारा से फिर वही सवाल दोबारा पूछो हो। क्योंकि क्या होता है कि कन्पेशन बहुत नेचुरल हो रही होती है तो बहुत बार हमारी वीडियोस में इशू आता है कि ऐसे अब दो माइक है अभी तो दो माइक है जी आ, पहले तो सिंगल माइक से शूट करते थे तो अभी भी होता है कि ऐसे ये माइक मैं आपके पास पहुँचा मैंने बोला कैमरा को कि मैं उधर से आ रहा हूँ बस कैमरा ऑन रखना बात शुरू हो गया हमें ध्यान ही रहा ही नहीं कि माइक लगाना भी है तो ऑडियो नहीं आया तो हाँ। शूट हो गया ठीक है रहने दोस्तों जैसा भी ऑडियो कम हो है जो पता नहीं लेकिन हमारा हाँ। कॉमर्शन एक बार में हो गया हाँ। तो हो गया हाँ। ये बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और लेकिन आप इन टाइम्स में अपने आपको काम कैसे रखते हैं क्योंकि वो ना एकदम से जब ये चीजें होती है तो एक वो तो आता है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है लेकिन फिर एकदम से समझना पड़ता है कि काम है हाँ। काम रहना पड़ेगा हाँ। कैसे आप अपने आपको काम रखते हैं ये मतलब थोड़ी देर के लिए तो होता है उसने हाँ, कहा कि क्या कर दिया है मतलब अभी तो सब कुछ था पहले चेक करना चाहिए तो आपका काम है कि आप ऑडियो चेक करो आप कैमरा देखो कि फॉर्मेटिंग जो भी करना है शुरू करके रखो तो शुरू में होता है फिर होता है कि अभी लर्न करता है उससे कि नहीं चलो एक बार हो गया नेक्स्ट टाइम नहीं हो तो नहीं। नहीं। हमने अब जैसे हम लोग इक्विपमेंट लेके चलते हैं या कुछ भी है तो पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ माइक का तो सेट भी रेडी रहे हमारे हाँ। पास कहीं ऐसा ना हो शूट कर रहे हो बैटरी खत्म हो गई तो वो सब अब सेकेंड ऑप्शन लेके चलता है भाई अब वो लेकिन इन चीज़ों से ये हो जाता है कि हम सीख जाते हैं कि हाँ। नेक्स्ट टाइम से प्रिपरेशन क्या है वो तो एक हो जाता है तो आपने कभी कोई ऐसे खाना देखा है कि ये क्या क्या है एक कोई अतरंगी से खाने मतलब इन अ गुड वे बट ये भी होता है कुछ ऐसे खाने

हमें लोगों के कल्चर समझिए कि उनके लिए इस नॉर्मल कॉमन चीज़ हमारे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है तो आप अपने आपको, को आप को वही मैंने कहा ओपननेस आपको बताया मैंने कि ओपननेस को लेकर आप एक्सेप्ट करते हो अच्छा ठीक है, है ये ऐसा ही है तो मैंने उसमें यही लाइन बोला है मैंने कि हमें लाइक नागालैंड का जो पैलेट है पैलेट। ऐसा ब्रॉड पैलेट मैं ऐसे बोल के उस बात को समझाया कि ठीक है अब उनके मार्केट में गया हूँ तो मार्केट में मैंने भी ट्राई किया हालाँकि वुड वाम खाया सिल्क वाम खाया और तो ये सब चीज़ें खाई और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट वीक से वीडियोस आएंगे हाँ, तो देखेंगे कि ऐसी ऐसी चीजें खाने की जो लोग खाते हैं तो लेकिन जितना मैं खा सकता था मैंने खाया जो लोग खाते हैं, तो है मतलब वही मैं मार्केट में खड़ा हुआ वो अब वुड बाम सिल्क बॉम चल रहा है तो मैं कह रहा हूँ मैंने कह तो जिटरी मतलब आप थोड़ा ही आप कैसे ये खाए कैसे वो मूवमेंट देख के आपको अंदर से खा सकते हैं

लाल चीटी होती है आ, उसकी चटनी खाई जी। उसके बाद चटनी अच्छी थी वो इनफैक्ट उसके बाद फिर आपका असम में था तो एंड्स के एग्स होते हैं उसकी चटनी बनाते हैं वो खाया जी। तो वही मेरे को मतलब पहले होता था, था कि शुरू में कि हेजिटेशन थोड़ा सा लगता है एक बार शुरू लगे उसके लगता है कि बाकी लोग भी तो साथ में खा रहे बिल्कुल तो नहीं के? आपने बहुत सही चीज बोली कि मतलब वेयर्ड फूड हमें लगता है बट उन लोगों के लिए तो वो खाना ही है खाना ही है जी हाँ आ हाँ। मैं पूछना चाहूंगा अगर कोई क्वेश्चन है तो हां विदआउट माइक नहीं नहीं माइक माइक पे पूछो अरे ऑडियंस भी है ऑडियंस क्वेश्चन भी है वैसे तो अक्षय ने सारे क्वेश्चंस पूछती हैं बट आई वांटेड टू नो कि हम लोग कुछ सोसाइटी से थोड़ा जो uh, मतलब स्ट्रीमलाइंड होता है कि ये कर रहे हैं डॉक्टर बन रहे हैं मैं खुद लॉयर हूँ बट मेरा भी एनजीओ है अक्षय कुछ अलग कर रहे हैं तो फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी है और आपको क्या सपोर्ट मिला और इज इट हेल्पिंग यू आई जस्ट लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस अच्छा मैं जब जब मैंने फूड वॉक शुरू किया तो घर पर समझ में आता ही था लोगों की कि करता क्या हूँ मैं और ये बहुत समय तक बना रहा कि क्या करता है फ़ूड वॉक लेकिन फूड वॉक में लोग आएंगे तो पैसे क्यों देंगे वो अपने आप खुद जाके नहीं खा सकते तो ये एक मतलब नई चीज़ है ना घर वालों के लिए कि कोई पैसे दे के आपके साथ क्यों जाएगा खाने के लिए उनको पता है ये पाँच जगह खाने खुद चले जाएंगे तो उनको समझाया है कि नहीं ये भी एक प्रोफेशन है ये भी एक स्टोरी टेलिंग का तरीका है लोग पैसे आपको इसलिए देते हैं ताकि आप उनको स्टोरी सुना सको और उनको आप बता सको कहाँ पे क्या चीज़ खानी है तो उसमें भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है तो फैमिली को मतलब समझाना पड़ता है कि आप ये काम कर रहे हो फूड वॉक में काफ़ी रहा फिर कंटेंट क्रिएशन में भी था कि आप बाहर जाना है और बाहर जाके आप क्या चीज़ खा रहे हो कुछ अच्छी चीज़ भी खा रहे हो कुछ ख़राब चीज़ भी खा रहे हो तो उसका भी उनको समझाना पड़ता था कि नहीं ठीक है इस ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जॉब तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि नहीं ये तो बहुत जरूरी है फैमिली सपोर्ट तो एवरी मतलब हर एक स्टेप पे आप बताइए आपको देहरादून में आपकी फेवरेट जगह कौन सी खा सर में? फेवरेट जगह है मैं जैसे कहा कि आपने बताया था बन टिक्की हो गई और मोमो जैसे देहरादून में बहुत फेमस है लेकिन मुझे मोमो ज़्यादा पसंद है नहीं, नहीं मैं सर जैसे अगर बाहर जाता भी हूँ तो मैं पूरा ना मेरे को वो पनीर का मैं बहुत शौकीन हूँ तो मैं रेस्टोरेंट जाके मैं पनीर ज़्यादातर मैं पनीर ही खाता हूँ पनीर हो गया नान हो गया तो ये मसाले वाली थोड़ी चीज़ें मेरे को यही अच्छी लगती हैं तो आप दिल्ली आइए बक्का आपको दिल्ली में एक पर एक पनीर की डिशेस खाने को मिलेंगे <laughs> मतलब मैं कहता हूँ कि आ, मतलब आपका शो देहरादून का है लेकिन दिल्ली में खाना बहुत अच्छा मिलता है जी बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली में तो जैसा आ, स्ट्रीट फूड जो वैरायटी है नॉर्मल एक कहीं भी किसी भी आप ढाबे पे चले जाओ कहीं भी चले जाओ आपको नॉर्मल एक पनीर की डिश भी खानी है पनीर टिक्का भी खाना आपको अच्छा मिलेगा शाही पनीर खानी है आपको पनीर की बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब Heaven है आप बताइए आप 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 तो <laughs> <पका laughs> मुंबई भी रहा हूं, मैं काफी नॉर्थ के बाहर रहा हूं तो मेरे को खाने की थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मेरे को आदत अब इसी चीज की है तो मेरा टेस्ट बर्ड उसी में डेवलप हो रखे हैं ये सब कढ़ाई पनीर शाही पनीर इन सब में तो ये रहता है मेरा पनीर काफी अच्छा मिल जाएगा बहुत सारे ऑप्शंस है आप बोल रहे हो मेरे को याद आ रहा है कि आ, सीपी में एक नेशनल है रॉयल है इन पे पनीर की बहुत सी डिशेस मिलती है मतलब बहुत टेस्टी बनाते हैं दिल्ली के कोई स्ट्रीट फूड जो आप सबको रेकमेंड करेंगे दिल्ली का तो पूरा एक मतलब मेरे फूड मैप है अरे वाह आप मेरे को बोलोगे कि मैं इस जगह पे खड़ा हूं यहां पे क्या खाऊं तो बता सकता हूं आप ऐसे बोलोगे कि मैं अभी इस समय

तो कमलागढ़ से शुरुआत करें तो कमलागढ़ में आप एंटर करते हो तो सबसे तो पहले चाचा के छोले भटूरे जो कि सिर्फ दिन में खुलते हैं शाम में उसकी दुकान बंद रहती है लाइन लगती है उसके छोले भटूरे के लिए आप जब भी जाएंगे उसके बाद फिर कश्यप पकौड़े वाला वो बड़े से तवे में घी में ब्रेड के अंदर पनीर का स्लाइस डाल के पकौड़ा बनाता है बहुत स्वादिष्ट बनाता है उसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो एक भेलपूड़ी वाले अंकल हैं मतलब वो लगाते हैं दुकान वहाँ पर उसके बाद एडास शोरूम के बाहर में डोलमा आंटी के मोमो बहुत फेमस है पे। उनके आउटलेट एक लाजपत नगर में भी है एक यहाँ पे भी है हाँ। तो मोमो लाजपत नगर से यहाँ आते हैं उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे तो ब्रिजवासी बाके बिहारी जिसके बेस्ट रसगुल्ले और गुलाब जामुन है मतलब उसके ऐसे गुलाब जामुन मैंने कहीं नहीं खाए अच्छा। इतने बड़े साइज़ के होते हैं अंदर में ड्राई फ्रूट स्टफ करके बनाते हों उसका फिर वो पूरा मतलब वो लोग कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं तो उनके यहाँ पहुँचों दुकान में लगे कि आप मथुरा वृंदावन में आ गए हो तो वहाँ पे सभी कुछ राजमा छोले जो भी सब बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं वो और सीज़न के हिसाब से मिठाइयाँ बनाते हैं वो हो जाएगा फिर गुजराती नमकीन वाला है उसके आपको फापड़ा और गाठिया ये सब जो गुजराती नमकीन है वो सब मिल जाएगा फिर बॉम्बे भेल हाउस है उसकी भील पूड़ी बहुत फेमस है उसके आगे, आगे आप चले जाओ बिल्ली दी हट्टी है जो सुबह में पूड़ी छोले बनाते हैं शाम में समोसे जलेबी ये सब बनाते हैं उसके बाद आगे चले जाओ आप गोपाल स्वीट्स वाला है जो बेडमी पूड़ी बनाता है फिर शक्ति नगर थोड़ा और आगे पहुँच जाओ ओम दी हट्टी है छोले भटूरे की दुकान है <laughs> तो ऐसे तो नॉन स्टॉप है फिर आप मंजू टीला चले जाओ मंजुआ टीला पहुँच पहुँच जाओ तो एक तरह से ऐसे यहाँ पे टिबन सेटलमेंट कॉलोनीज़ है तो वो भी एक वैसे ही कॉलोनी है तो वहाँ पे आपको लाफिंग मिलेगा खाने को स्ट्रीट में बहुत सारी दुकानें हैं फिर टी है उसके यहाँ उसका अमा कैफे है फिर मकई अमे है बहुत सारी जगहें हैं खाने की नॉन स्टॉप अरे वाह ये तो पूरा दिल्ली कवर कर लिया हमने <laughs> <laughs> हम सिर्फ दिल्ली का भी एक कमरा ना करोगे ऐसे बहुत सारी जगह है क्योंकि मैं मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो फूड वॉक है तो फूड वॉक्स एक समय था जब मैंने दिल्ली फूड वॉक शुरू किया था जी। तो वो नाम ही था फूड वॉक्स तो हर संडे को फिक्स था सालों भर हर संडे को एक नए इलाके में जाके लोगों को फूड वहाँ का दिखाना इंट्रोड्यूस करना तो ये बहुत साल तक चलता रहा कोई फेस्टिवल आए रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान स्पेशल फ़ूड वॉक दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम मैंने शहरी वॉक की रात के ग्यारह बजे शुरू करता था सुबह के चार बजे तक पूरी रात पाँच छः घंटे हम लोग जमा मस्जिद के मटिया महल की गलियों में घूमते थे और चालीस चालीस लोगों को ले कर ले जाता था मैं ओल्ड दिल्ली में वॉक कर रहा हूँ रमज़ान की वॉक की फिर दुर्गा पूजा आई तो सी आर पार्क में फूड वॉक वो पूरा बंगाली कॉलोनी है तो एक पंडाल मार्केट से तो उसके मार्केट में जाना पंडाल तो पंडाल जाना पंडाल हॉपिंग करना पंडाल में कहाँ पे क्या खाना अच्छा मिल रहा है वो एक्सप्लोर करना फिर रामलीला आई तो रामलीला की फ़ूड वॉक की बाकी दिल्ली में एक एक लेन की वॉक करता था जैसे ओल्ड दिल्ली में चांदनी चौक की जी। तो लाल किले से लेकर फतेहपुरी एक वॉक सिर्फ बल्ली मारंग की एक वॉक सिर्फ चावड़ी बाज़ार की एक वॉक सिर्फ़ जमा मस्जिद की फिर थीम बेस्ड फूड वॉक ऐसे आपने कहा कि मुझे चाट खाने का शौक है तो मैं आपको पुरानी दिल्ली के अंदर में दस ऐसी जगहों पर ले जाऊँगा अलग अलग वेराइटी की चाट खिलाने की कहीं पे कुल्ले की चाट मिलेगी कहीं कलमी बड़ा मिलेगा कहीं दही बल्ले मिलेंगे कहीं आलू टिक्की मिलेगी कहीं पापड़ी चाट मिलेगी वैसे फिर आपका शौक़ है कबाब खाने के लिए तो ओल्ड डेली में कबाब की अलग अलग वैरायटी कि सूतली कबाब खाना है आपको सीख कबाब खाना है आपको शामी कबाब खाना है गिलावटी खाना है तो अलग अलग कबाब के ट्रेल करते हुए तो वैसे फूड पे ओल्ड डेली और मतलब दिल्ली का तो यही किया है तो अभी भी यही करते हैं हम लोग तो आपको सबसे अच्छा खाना दिल्ली का ही लगता है कह सकते हैं मैं बोलता हूँ मतलब पूरे जहाँ जहाँ मैं इंडिया में गया हूँ मैं मतलब कह सकता हूँ कि दिल्ली का खाना दिल्ली इज़ लाइक अ फूड कैपिटल ऑफ इंडिया मतलब जो फूड की वैरायटी है इतनी ज़्यादा है आपको तो किसी भी स्टेट का खाना खाना हो तो दिल्ली ब्लेस्ड है कि दिल्ली में अलग अलग स्टेट भवन बने हुए हैं तो हर भवन की अपनी कैंटीन है जैसे आपको है कि मुझे मणिपुरी खाना खाना है। तो वहाँ पे आप मणिपुर भवन में चले जाए वहाँ मिल जाएगा आपको महाराष्ट्रियन खाना खाना, खाना, तो खाना खाना है तो महाराष्ट्र भवन है आपको आंध्रा खाना है तो आंध्रा भवन है केरला खाना खाना तो है तो स्टेट कैंटीन्स है तो हाँ के खाना मिल जाता है उसके बाद दिल्ली कैपिटल होने के बाद क्या है कि लोग पूरे इंडिया से आके बसे हैं वहाँ पर उनके अलग अलग जगह हैं जैसे बताया ने सी आर पार्क है बंगाली फूड खाना है वहाँ चले गए आपको टिपटन फूड खाना है तो आप मंजू टीला चले गए आपको पंजाबी खाना खाना है तो पूरा वेस्ट दिल्ली पंजाबी इलाके हैं आप वहाँ जाके खा सकते हैं कहीं भी आपको आ, लोकल दिल्ली का खाना खाना है तो पुरानी दिल्ली है वहाँ पे तो वैसे आपको अलग अलग जगह है आपको अफगानी खाना खाना है तो पूरा एक लाजपत नगर में पूरी जगह है अफगानी कॉलोनी वहाँ जाके आप खा सकते हैं तो हम लोग लिटिल काबुल बोलते हैं उसको तो ऐसी जगह है आपको बिहारी खाना खाना हर जगह मिल जाएगा तो स्ट्री, स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट फूड की इतनी वैरायटी है इतन, हर एक चीज़ आपको दिल्ली में खाने को मिल जाती है तो मैं कहीं भी घूम के आता हूँ मुझे लगता है ऐसे कुछ दिन आप बाहर खाने के बाद लगता है कि दिल्ली चलो वहाँ खाना मिस कर रहे हैं <laughs> क्या बात है सर ये तो हमारी एक वर्बली एक फूड वॉक हो गई <laughs> नहीं, नहीं, नहीं इसको मतलब बहुत बार होता है कहते हैं इसको वर्चुअल फूड वॉक वर्चुअल फूड वॉक हो गई कि अगर जैसे कहीं भी बैठ के कहीं भी वॉक करनी है बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मैंने इनफैक्ट देहरादून के भी चार एपिसोड शूट किए हैं तो अभी इसको मतलब देखा एक दो एडिट हो गए एक दो बचे हुए हैं उसको साथ में रिलीज़ करूँगा तो उसमें मैंने जो आपका घंटा घर से नीचे पलटा मजा का इलाका है हाँ। उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है अच्छा कि मतलब चाट वाली गली चाट वाली गली के तो <laughs> वो, आ, वो <laughs> थोड़े बुरे हाल हो गए बुरे हाल हो गए मतलब वही है ना इसलिए मैंने वहां पे मतलब मैंने कॉन्फिडेंट फील नहीं किया किसी ने बताया कि वहाँ पे कुम, कुमार की दुकान है वहां भी गया वहाँ भी, भी मेरे को हाइजीन बिल्कुल लगी नहीं मैं उससे पूछ रहा हूँ कि ये आपका जो मशीन है आर वाला जो वाटर प्यिफायर लगाया है वो खराब पड़ा था अच्छा तो मैंने कहा कब से खराब पड़ा नहीं कितने सदियों से खराब पड़ा तो धूल मिट्टी जमी नहीं बनवाना है <laughs> दो दिन बाद फिर मैं गया हाँ। मैं मतलब फिर शूट कर रहे थे मैंने कहा बना नहीं नहीं, नहीं, बना मैंने <laughs> तो बनेगा ही नहीं <laughs> अरे भाँ भाँ। तो वो कि हाइजीन मैटर करता है कि आप कोई देख के जाए वहाँ खाने के लिए तो बोले कि यार कैसी जगह पे खुद खाया और हमें भी बताया खाने हाँ। के लिए बिल्कुल तो लेकिन अगर अंदर में बहुत सारी जगह है अंदर में छोटी छोटी जगह है बहुत ढूंढी एक आपका वो कौन सी जगह है वाला वहाँ पे एक कार्ड मिला मुझे मैं पहले तो ऐसे ही संडे को देखने के लिए गया कि यहाँ पे क्या क्या शूट कर सकते हैं तो एक कार्ट मिली वहाँ पे वो कचालू और मटर की चाट बनाते हैं अच्छा छोले की चाट मटर हाँ। नहीं छोला था तो कचालू छोले की चाट बनाते हैं और वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे थे मैंने पूछा ये खाता कौन है तो सिर्फ चाट बना के उन्होंने तो कहा कि बहुत लोग इसको पराठे के साथ खाते हैं अच्छा जो पंजाबी हैं बहुत लोग इसको मूड़ी के साथ खाते हैं जो बंगाली है तो देखिए कैसे फूड को आप कैसे समझते हैं तो पराठा कौन खा रहा है वहाँ पे जो पंजाबी लोग हैं वो पराठे के साथ खा रहे हैं मुढ़ी कौन खाता है जो बंगाली हैं जो वर्कर्स हैं वहाँ पे ज्वेलरी शॉप पे काम करते हैं वो लोग मुड़ी खाते हैं ज़्यादा तो बोला कि बिहारी बंगाली मुड़ी के साथ खा लेते हैं मतलब जो मुड़मुड़े होते हैं उनके साथ छोले खा लेते हैं कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं तो आप फूड को कैसे लोग कैसे देखते हैं अलग अलग कम्युनिटी कैसे आके बसी फिर आपके वहाँ पे एक अंदर में एक बंटे वाला है उसे उनके अलग अलग पुरानी पुरानी बॉटल्स पड़ी हुई हैं तो उससे बात करते करते फिर उन्होंने बताया मैं अब ये स्टोरी कैसे निकलती है मैंने बोला कि मेरे एक पुरानी दिल्ली में बंटे वाला है वेद प्रकाश बंटे वाला जी। बहुत पुरानी दुकान है बिल्कुल टाउन हॉल के सामने दुकान है उसकी तो मैंने उससे पूछा कि ये बंटा तो कभी कभी फट भी जाता है तो आपको कभी चोट वोट लगी कि पीछे बहुत बूढ़े संख्या बैठे हुए होते हैं उन्होंने शर्ट ऊपर किया बोला देखो ये सारा ये कितने बार फटा है हमारे घर बोतल तो उनके पूरे यहाँ पे चोट लगी हुई थी तो वही होता है कि अगर आपको नॉलेज है हाँ। और आपको पता है कि कैसे फूड को कैसे आप समझते हैं कि उसमें मैं कहानी शुरू की फिर मैं उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि इसको कॉडनैक बॉटल बोलते हैं किसने बनाया है, कैसे मामल बॉल क्या काम करता है तो फूड सिर्फ फूड पे ही लिमिट नहीं रह जाता किसी पे मतलब ये होता ना कि एक टेस्ट के माध्यम नहीं है खाना मतलब खाने के पीछे बहुत पॉलिटिक्स है बहुत स्टोरीज़ है जिसको जानने की मतलब आप डेफ्थ में जाना चाहें आप देखो ना एक एक चाय पत्ती है जिससे हम लोग चाय सब लोग पीते हैं मैं गया दार्जिलिंग और मैंने उससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री कहीं देखी होगी डी डब्ल्यू पे आई थी कि जो टी वर्कर्स हैं उनके कंडीशंस के ऊपर में तो मैं दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत पहले देखी थी मैंने तो मैं दिमाग में कहीं बैठा हुआ था कि यार टी वर्कर्स कैसे रहते हैं तो मैं देखूँगा और बंगाल है बंगाल में दार्जिलिंग दार्जिलिंग टी इतनी फेमस है और न्यूज़ में था कि एक लाख रुपये किलो तक चाय बिकी है तो वहाँ पर मैं एक टी स्टेट में गया और टी स्टेट में जाके जो टी वर्कर्स थे प्लांटेशन वर्कर्स उनके साथ जाके मैंने लंच किया बैठ के मजा या कि लंच में खाते क्या आए लोग उनको पैसे कितने मिलते हैं एक दिन पे तो चाय एक लाख रुपए किलो बिक रही है लेकिन जो टी वर्कर्स उनको कितने मिल रहे हैं मतलब दे आर अर्निंग टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड रुपीज़ डे तो महीने के दस हज़ार वो कमा रहे हैं कितने किलो किलो वो चाय पत्ती फ्लग करते हैं Uh, तो वो वो मैंने में दिखाने की कोशिश की और फिर फूड के साथ साथ मैं हमेशा बोलता हूँ कि देख ये भी ऐसा है कि लाइवलीहुड का भी है कि जो खाना बेच रहा है कोई भी इंसान तो आप तो गए खा के व्यूज़ दे के चले आए uh, मतलब रिकॉर्ड कर लिया आपको व्यूज़ मिल गए कॉन्टेंट क्रिएटर को लेकिन व्हाट अबाउट द लाइवलीहुड ऑफ द पर्सन मतलब वो भी जहाँ जुण जुण है ना कि भाई आप स्ट्रीट फूड वेंडर है वो दुकान लगा रहा है उसको आप जाके कवर कर रहे हो क्या आपने खाना खाया खाना अच्छा नहीं लगा आपने साइड में जाके उसकी बहुत बुराई कर दी लेकिन उससे बेचारा उस पर तो कितना इम्पेक्ट पड़ा hmm. फूड वेंडर पर या तो आप डालो ही मत बताओ ही मत कि यहाँ मत जाओ बिल्कुल एक वो चीज़ है या फिर एक बोलने का तरीका है कि नहीं आपको कैसा समझ आया नहीं आया तो आ, मैं कहता हूं कि फूड इज लाइवलीहुड जो लोग हैं तो वैसे भी मतलब वही मैं कहा कि food को अब कितने डेप तक जा सकते हो कि चाय को समझने के लिए मैं कैसे डेप तक टी वर्कर्स तक पहुंच गया कि उनके उनकी, उनकी, उनकी लाइफ को जानना तो वो एक अच्छा था आ, फिर टी के इतनी मतलब अलग अलग स्टेट्स में कंडीशन देखा कैसे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है टी पे आप जाओगे डेप्थ में तो लगेगा कि यार ये चाय हम पीते हैं इसके पीछे हिस्ट्री बहुत 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 बढ़िया है हिस्ट्री हाँ। इतनी ज़्यादा आगे कि इनफैक्ट मैं अरुणाचल गया तो चाय की जब था हमें पता था कि चाय जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने टी प्लांटेशंस इंडिया में शुरू किए फिर मैं रिसर्च करना शुरू किया मैंने तो पता चला चाय तो हमारे इंडिया में पहले से थी एक अरुणाचल में एक कम्युनिटी है उनका नाम है सिंगफो अच्छा सिंगफो पहले से चाय पीते आ रहे थे बट उनको यह था कि कमर्शियल लेवल पे कैसे इसको यूज़ करना है प्लांटेशन करना है वो नहीं था तो वहाँ पे फिर कैसे एक स्कॉटिश सोल्जर आए रॉबर्ट ब्रूस नाम के उन्होंने कैसे वहाँ पे ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया कि यहाँ पे तो लोग पहले से चाय पी रहे हैं तो टी हिस्ट्री मतलब दे आर द ओरिजिनल टी ड्रिंकर्स ऑफ इंडिया सिंफोज और वो कैसे बेम्बू में चाय को स्मोक करके फाउंड कर पीते थे तो मैं जब अरुणाचल पहुँचा तो ऐसे ही मैंने अपने होस्ट को कहा मैंने कहा कि मुझे तो कम्युनिटी कम्यूटी पास जाना है और आई वांट टू टेस्ट डेट टी कैसे वो हाँ। स्मोक करते हैं बैम्बू में और कैसे कमेंट करके पीते हैं तो उन्होंने बोला तो बहुत दूर है आप वहाँ जा सकते ही नहीं है और वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला है कहीं पर एरिया है अच्छा। आप वहाँ नहीं जा सकते तो मैंने कहा आप यहीं पर आप अरेंज करो तो उन्होंने किसी एक सिंगफू कम्यूनिटी को कॉन्टेक्ट किया फिर उन्हें चाय दी फिर मैंने चाय टेस्ट की वो तो मतलब वही कि आप कितने डेप्थ तक फूड पर चले जाते हैं बट आई एम श्योर कि उस पर व्यूज़ इतने नहीं आएंगे hmm. लेकिन मुझे अच्छा है कि मैं वो चाय टेस्ट कर चुका हूँ तो और मुझे उसकी स्टोरी पता है ah. तो और मैं लोगों को बताया भी वो स्टोरी तो वो भी एक अच्छी बिल्कुल इंफॉर्मेशन है hmm. आप तरह तरह का फूड टेस्ट करते हैं आप ख़ुद कुक करते हैं

पे ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं टेल पे मैं भी हाथ लगा के ही खा लेता हूँ <laughs> मुझे मज़ा नहीं आता नहीं होता वो आत्मा खुश नहीं हो होता जी वो तो है तो डेली फूड वॉक्स की मैं बात करना चाहूँगा कि आप इसको कहाँ तक देखते हैं आपका कुछ प्लान है इसको आगे लेके कि आप कब तक करना चाहते हैं इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं देखिए मेरा अभी जो फ़िलहाल तो प्लानिंग में ऐसा है कि जो मेरे दो स्टेट्स रह रहे हैं इंडिया में मैं चाहता हूँ कि कम से कम पहले वो विज़िट कर लूँ ताकि पूरा इंडिया तो कवर इन देंस कि सभी स्टेट्स में गया हूँ मैं मतलब एक ये मतलब फूड की नॉलेज बन जाए और उसको और इन डेप्थ में जानते रहें मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर स्टेट में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं गांव हैं हर जगह का अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनके खाने को डॉक्यूमेंट करता रहूं और फिर इंडिया के बाहर भी जाऊं तो मैंने Uh, कोशिश की इस साल uh, जैसे बांग्लादेश गया फिर दुबई गया था मैं uh, तो मेरा था कि पहले मैं साउथ एशियन कंट्री शुरू करूँ उसके बाद फिर आगे जाऊँ तो अभी uh, देखते हैं आगे और कहाँ जा सकते हैं तो बट ये है प्लान आगे टाइम में कि इंटरनेशनल भी ट्रैवल करूं और फूड uh, एक्सप्लोशन की जर्नी चलती रहे बिल्कुल सर बेल्कुल। और ये तो मतलब ऐसा है कि ये नहीं कह सकते ना अनलेस की कोई हेल्थ इश्यूज हो या जो तब तक जब तक एक्सप्लोर करने का शौक है वो कभी एंड नहीं हो सकता बिल्कुल सर बिल्कुल हम देखते रहेंगे आपके इंटरनेशनल वीडियोस भी थैंक यू और ऑल द बेस्ट उसके लिए थैंक यू थैंक यू सो मच स्मॉल टाउन शो में आने के लिए मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके और मैं कब से अपनी टीम को भी कह रहा था कि बहुत मजा आएगा जब सर आएंगे आपको कैसा लगा स्मॉल टाउन शो में मुझे आरके? बहुत अच्छा लगा कि आपका भी जो एक कन्वर्सेशन uh, का तरीका है